हेलो सत श्री अकाल फेसबुक एंड यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हनिका किचन में। आज हम बनाएंगे नवरात्र स्पेशल व्रत वाले आटे की रोटी और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मुझे चाहिए नवरात्र का आटा, आलू, चार से पांच आलू ले लीजिए, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ और मसाले। सबसे पहले इसका हम आटा लगाएंगे, आपको दिखाते हैं इसका आटा। सबसे पहले लेंगे हम व्रत वाला आटा, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज हम इसकी रोटी बनाएंगे। इसमें डालेंगे मसाले, नमक, लाल मिर्च, अनारदाना पाउडर, ज़ीरा पाउडर और बॉयल किए हुए आलू। इसको हम मैश करेंगे अच्छी तरह। छह आलू मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरह हम मैश करेंगे और आटे के साथ मिक्स करेंगे। इसका डो हम रेडी करेंगे। अब डालेंगे इसमें एक से दो हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, इसको अच्छी तरह काट के धो लें। अगर आपको आटा ज़्यादा हार्ड लगे तो थोड़ा सा पानी डाल लें और इसको अच्छी तरह गूंध लें। इसका डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और ये रेडी है। आप एक बार नमक को भी चेक कर लें। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। अब मैंने एक बटर पेपर लिया है, उसके ऊपर हम एक लोई लेंगे और इसको बनाएंगे। दूसरी तरफ हम एक तवा रखेंगे, ये मेरे पास आयरन का तवा है। आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो रख लें। इसमें डालें थोड़ा सा ऑयल। अब हम बनाएंगे रोटी को। हाथों की मदद से इसको बनाएंगे। हाथों की मदद से इसको फैलाएं और धीरे धीरे बढ़ा करते जाएं। अगर आपके पास ये पेपर ना हो तो आप कोई भी पॉलीथीन भी ले सकते हैं काट के, इससे कि रोटी चिपकती नहीं है। अब हम रोटी को तवे पे डालेंगे। एक साइड से रोटी को सिकने देंगे, फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। अब इसे हम पलटाएंगे। ये बहुत हल्के हाथों से रोटी बनाएं। अब इसको दूसरी साइड से भी तेल लगा के या घी लगा के सिकने दें। गैस को मीडियम पे रखें। एक रोटी बनकर हमारी रेडी है। अब एक और आपको दिखाएंगे। फिर से एक लोई लें, इसको ऐसे धीरे धीरे प्रेस करें।
इसका साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग से बना सकते हैं। दूसरी रोटी भी हमने ऐसे ही डाल दी है। अब इसे भी हम धीरे धीरे पकाएंगे ऑयल डाल के। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे। अब दूसरी साइड से भी पकने देंगे। ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह कुरकुरी कर लें। दूसरी रोटी बनकर हमारी रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। अब हमने इसको सर्व कर लिया है। इसको मैंने नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसके साथ आलू की सब्ज़ी, कोई भी चटनी ले लें पुदीने की, चाय के साथ खाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।